भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बिना चले पाकिस्तान की कई मिसाइलें खा गया है। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से भारत के S-400 का तोड़ ढूंढने के लिए कोशिशें कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान S-400 को चकमा देने वाली मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है, लेकिन मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान की ये ज्यादातर मिसाइलें उसी के ऊपर फट गई हैं। पाकिस्तान ने एक मिसाइल खुद के ही परमाणु केंद्र के पास गिरा दी तो दूसरी मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। लेकिन असली खेल तो तब हुआ जब अमेरिका ने चीन की उन 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल परीक्षण के लिए पुर्जे बेचे थे। यानी S-400 को बर्बाद करने के सपने देख रहा पाकिस्तान खुद तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ साथ चीन को भी ले डूबा। S-400 को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने कई मिसाइलें दागी, लेकिन ये सब बेकार निकली। मगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। जब पाकिस्तान की मिसाइलें खुद पर ही गिरने लगी तो पाकिस्तान की सेना ने अपने पायलट्स को S-400 पर हमला करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इस ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी पायलट्स को चीन से खरीदे गए कबाड़ लड़ाकू विमान JF-17 और J-10C दिए गए हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि ये लड़ाकू विमान भी S-400 को ट्रैक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान का मकसद था कि S-400 की रेंज में आने से पहले ही S-400 को निशाना कैसे बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान इसमें भी फेल हो गया। पाकिस्तान को 400 किलोमीटर की दूरी से ही S-400 पर हमला करना होगा। अगर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान 400 किलोमीटर की रेंज से अंदर आते हैं तो उन्हें S-400 ही पहले उड़ा देगा।